चलिए जी शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए जी बनाते हैं चिकन मैक्रोनी। मैक्रोनी बॉयल करने के लिए पानी जो है वो मैंने पहले ही बॉयल करने के लिए रख दिया है और इसमें मैं अब 1 टीस्पून नमक डालती हूँ और साथ में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालती हूँ, अंदाजे के मुताबिक मैं डाल रही हूँ। अब जैसे ये पानी बॉयल होता है तो मैं इसमें मैक्रोनी डाल दूंगी। मैक्रोनी जो है मैंने 2 कप ली। देखिए जी पानी जो है वो बॉयल हो गया, अब मैं इसमें 2 कप मैक्रोनी डालती हूँ और हम इस मैक्रोनी को 7 से 8 मिनट में बॉयल कर लेते हैं। 8 मिनट हो गया और मैक्रोनी जो है वो बॉयल हो गई अच्छे से। ये आप देखें, अब मैं इसका पानी ड्रेन करती हूँ। मैं इसके ऊपर से ठंडा पानी डाल रही हूँ ताकि ये आपस में जुड़े ना। मैक्रोनी का पानी जो है वो ड्रेन करके मैंने इसे साइड पे रख लिया है। चलिए जी अब हम चिकन फ्राई कर लेते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। अब इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक चॉप किया होगा 1 टेबलस्पून लेंगे। कुकिंग ऑयल में हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेते हैं ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो खत्म हो। लहसुन अदरक जो मैंने चॉप किया इसमें डाला है उसको मैंने 1 से 2 मिनट में फ्राई कर लिया, जो इसकी स्मेल है वो खत्म हो गई है। अब मैं इसमें चिकन डालती हूँ। चिकन जो है वो मैंने 1/2 kg लिया है बोनलेस और इसे मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है। चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे ये जो इसका कलर है वो चेंज होगा, इसी जगह हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन जो है इसको मैंने 3 से 4 फ्राई कर लिया और जिसकी स्मेल है मैंने खत्म कर दी है। अब मैं इसमें डालती हूँ 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून मैं इसमें चिली सॉस डालती हूँ और 1 टेबलस्पून मैं इसमें विनेगर डालती हूँ। आप अगर पास आपके पास विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पे लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, लेमन जूस। अब मैं इसमें डालती हूँ 3 टेबलस्पून केचप अंदाजे, मैं डालती हूँ 1 टेबलस्पून शुगर और नमक डाल रहे हैं यहाँ पे आप कसबे जायका, लेकिन यहाँ पे मैं 1 टीस्पून यूज करती हूँ और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। साथ ही मैं इसमें डालती हूँ गाजर चॉप की हुई, आप चाहे अब डालें या चाहे जब आपने इसमें शिमला मिर्च डाली तब डालें, लेकिन मैं अभी इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये साथ ही इसमें सॉफ्ट हो जाए गाजर। और ये मैंने ग्रीन चिली ली है 2 से 3, अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालती हूँ मैं 1/2 कप पानी और इसे मीडियम टू लो फ्लेम के लिए 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए रखती हूँ ताकि ये जो गाजर और चिकन है हमारा अच्छे से पक जाए। ये आप देख सकते हैं चिकन और गाजर हमारी वो अच्छे से पक गई है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे शिमला मिर्च और प्याज। प्याज जो है मैंने मीडियम साइज कर लिया, उसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है और यहाँ पे मैंने 1 अदद शिमला मिर्च ली है उसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। ये बाद में मैंने इसलिए यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज डाला है ताकि ये जो इसका कलर वो बरकरार रहे और जो इसका क्रंचनेस है वो भी बरकरार रहे। डालने को तो मैं जब मैंने गाजर डाली तब भी डाल सकती थी लेकिन नहीं मैंने डाला, अब मैं डाल रही हूँ। अब फिर से हम इसे 1 से 2 मिनट और पका लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालते हैं पानी में मिक्स करके। पानी जो है वो मैंने 1/4 कप लिया है, मतलब कि 1 कप का चौथाई हिस्सा लिया है और इसमें मैं 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। कॉर्नफ्लोर पानी में मैंने मिक्स कर लिया और मैं इसे डालती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। कवर करती हूँ और थोड़ा सा पका लेती हूँ तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। माशाल्लाह से देखिए आप हमारा चिकन जो है कलरफुल सा बहुत ही मजे का तैयार हो गया तैयार। अब मैं इसमें डालती हूँ मैक्रोनी और इसको मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। वैसे जब आप चिकन मैक्रोनी बनाएं अगर आपको केचप ज्यादा पसंद है या स्पाइसी ज्यादा पसंद है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे केचप और स्पाइसेस यूज कर सकते हैं। हमारी बहुत ही मजेदार से चिकन मैक्रोनी हो गई है तैयार। अब मैं इसे निकालती हूँ प्लेट में। लीजिए हमारे बहुत ही मजेदार यम्मी से मैक्रोनी चिकन हो गई है तैयार। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी है। हमें दीजिए इजाजत, हम मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ।
अल्लाह हाफिज़।